हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना मनी का फिफ्थ पार्ट है। इसके पहले मनी के चार वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बीएचयू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए, ठीक है? तो उसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? एंड आज जो अपना वीडियो चलेगा वो कॉन्टिन्यूटी में चलेगा एंड थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना बताएंगे उतना ही आएगा, ठीक है? दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, हम लोग आपको बीएचयू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? जिसके लिए हम लोग ने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से अपना बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट, अकाउंटेंसी, बहुत सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। एंड इन सबके सारे वीडियो, दोस्तों सारे वीडियो का मतलब होता है कि आपको हम लोगों ने पूरा कोर्स ही अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है? आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एंड हम लोग आपको नोट्स, पीडीएफ, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऐप और वेबसाइट की मदद से, ठीक है? आप लोग हम लोगों का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीवीएस या पेपर या सिलेबस, ठीक है, बहुत सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है तो आप लोग हम लोग का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 है, बट इस समय 500 आपको डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है? तो आते अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों अगर किसी को कोई भी डाउट है कि एमकॉम के बारे में, किसी भी चीज से बीकॉम के बारे में, तो आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है? हम लोग आपके हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। दोस्तों अपना टॉपिक है वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स मेजरमेंट। अब भैया मनी की वैल्यू क्या होती है और उसका मेजरमेंट कैसे, उसको नापा जाता है। इसके पहले चैप्टर में अपने हम लोगों ने पढ़ा था कि मनी सप्लाई क्या होती है, आज पढ़ेंगे मनी की वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ मनी, भैया मनी की वैल्यू क्या होती है? तो देखते हैं, मनी इन इटसेल्फ मे बी क्वाइट वैल्यूएस। अगर देखा है तो मनी की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, ठीक है? ऐसा क्यों कहा है? फॉर एग्जाम्पल, द इंटेंसिक वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट मे बी जीरो। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए कि 100 रुपए की नोट है, ठीक है? 100 रुपए की नोट है, तो अगर आपको मैं 100 रुपए का नोट दूं, ठीक है, तो इस 100 रुपए जो जिस कागज से ये बना है उस कागज की कितनी वैल्यू आपके लिए, ठीक है? अगर गवर्नमेंट ये ना कहे, सबसे पहले तो आप लोग दो बात को समझिए, ठीक है? पहली बात ये समझिए कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये 100 रुपए, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, एंड जिस चीज से ये बना हुआ है उसको बोलते हैं इंटेंसिक वैल्यू, ठीक है? भैया इस कागज की इंटेंसिक वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, पैसे में आएगी, 1 रुपये मान के चाहिए आ जाएगी, तो कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये लिखा हुआ है, इसी इसकी फेस वैल्यू जो दिखता है उसको फेस वैल्यू कहते हैं, जिस चीज से बना होता है उसको इंटेंसिक वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है, द इंटेंसिक वैल्यू ऑफ 100 रुपये नोट मे बी जियो। जियो हो सकती है, मतलब कुछ नहीं वैल्यू इस कागज की तो कहेगी, ठीक है? तो आफ्टर ऑल इट इज ओनली अ पीस ऑफ पेपर, ये बस क्या एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है? बट इट वैल्यू अराइजेस फ्रॉम दी फैक्ट, बट इसकी वैल्यू होती है फैक्ट दैट इट इज कैपेबल ऑफ परचेजिंग अ नंबर ऑफ गुड्स। हम लोग इसकी वजह से बहुत सारे गुड्स को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मनी की वैल्यू हो, मनी की वैल्यू है, उसको गुड्स के टाइम में बताने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो कहना चाहता है ये बंदा जिसने बताया इसको, वो ये कहना चाहता है कि भैया हम लोग पैसे से सामान खरीद सकते हैं, तो भैया मनी के अंदर ताकत होती है, जैसे हम सामान खरीद सकते हैं, तो मनी के अंदर सामान को खरीदने की ताकत होती है, गुड्स को खरीदने की ताकत होती है। तो मनी के अंदर क्या होती है, कैपेबल ऑफ परचेजिंग अ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूजफुल फॉर परचेजर, जो उसके लिए यूजफुल होता है, ठीक? तो द वैल्यू ऑफ मनी डज राइज इन बाइंग कैपेसिटी। तो हम लोग कह सकते हैं मनी के अंदर बाइंग, खरीदने की ताकत होती है। द ग्रेटर इट्स बाइंग कैपेसिटी द हायर दी इट्स वैल्यू। जितनी खरीदने की ताकत ज्यादा होगी उतनी वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। सिंपल भाषा में 100 रुपए से आप कितना सामान खरीद पाएंगे और 1000 से आप कितना सामान खरीद पाएंगे, तो 1000 में ज्यादा वैल्यू है, कम में कम वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको बस मनी की वैल्यू को बताने की कोशिश की गई है, ठीक है? तो भैया इसके हिसाब से मतलब निकलता है, वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि आप मनी से कितना सामान खरीद सकते हैं। तो ये सीधे आपसे पूछ सकता है कि मनी की वैल्यू क्या परचेजिंग पावर मनी होती है कि नहीं, तो हाँ होती है। समटाइम द वैल्यू ऑफ मनी इज मेजर इन टर्म ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइस। भैया प्राइस का जो लेवल होता है, प्राइस मतलब दाम, दाम का जो लेवल होता है घटता बढ़ता है, उसके हिसाब से हम लोग मनी की वैल्यू को निकालते हैं। तो कभी कभी जनरल लेवल प्राइसेस के हिसाब से मेजर करते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या बताया गया, इसको आपको याद रखिएगा, वी एम इक्वल टू 1/P। वी एम का मतलब होता है स्टैंड फॉर द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है? स्टैंड फॉर द प्राइस एवरेज, भैया प्राइस का क्या एवरेज है। तो सीधे आपको बस इसको याद रखना है कि जो जनरल प्राइस एवरेज आपको दिखाता है, मनी की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब दोस्तों मनी की वैल्यू को बताने के लिए तीन चीजें बताई गई हैं। तीन चीजें क्या बताई गई हैं, तो ये आपने नाम कभी ना कभी सुना होगा। तो पहला नाम है होलसेल स्टैंडर्ड, ठीक है? दूसरा नाम है
हीटेज और कंजप्शन स्टैंडर्ड, तीसरा नाम है हेबर स्टैंडर्ड। अब दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब कि जैसे पहले बताया गया कि मनी की वैल्यू होती है परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स, हमें सामान खरीद सकते हैं तो उसी को बोलते हैं मनी की वैल्यू। अब ये देखिए यहाँ बताया है कि अगर हम लोग सामान को होलसेल में खरीदते हैं, अगर हम लोग सामान को होलसेल मतलब जब ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो वही उसी को बोलते हैं मनी की वैल्यू। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्रेस इन टाइम ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल दोस कमोडिटी विच आर ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट। भैया जब सामान को होलसेल मार्केट मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पे ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदा बेचा जाता है, तो जितने दाम पे खरीदा बेचा जाता है वही हो जाती है मनी की वैल्यू, मतलब होलसेल मार्केट के हिसाब से मनी की वैल्यू निकालने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि भैया होलसेल स्टैंडर्ड भी एक तरीका होता है जिससे मनी की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसके हिसाब से होलसेल मार्केट में हम लोग पैसे से मनी से कितना सामान खरीद सकते हैं होलसेल में, उसी को बोलते हैं मनी की वैल्यू। ठीक, अब होलसेल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे सामान को ज्यादा क्वांटिटी के अंदर खरीदा या बेचा जाता है। रिटेल मार्केट दोस्तों एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे कंज्यूमर डायरेक्टली सामान खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको रिटेल या फिर कंजप्शन मार्केट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्रेस इन टाइम ऑफ प्राइसेस ऑफ दोस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ऑर्डिनरी बॉग एंड एन एवरेज फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन, जो एक एवरेज फैमिली अपने कंजप्शन के खरीदती है। तो एक नॉर्मल फैमिली के हिसाब से मनी की वैल्यू क्या होती है, जो कि वो अपने कंजप्शन के ऊपर खर्च करती है, तो वही उसकी मनी की वैल्यू हो गई है। ठीक है, एंड दोस्तों आखिरी अपना आता है द एबर स्टैंडर्ड। ठीक है, अब भैया लेबर को जो हमें पैसा देते हैं, मजदूरों को जो पैसा देते हैं काम करवाने के लिए, ये एक तरह से मनी की वैल्यू हो गई। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्रिटिकल चीजें हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पे आपको जो इसने बताया है, जिसने भी चीजें लिखी है, वो ये बताना चाहता है कि भैया मनी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मनी की वैल्यू क्या होती है, पहले उसने बताया कि भैया मनी की वैल्यू परचेजिंग पावर होती है जो सामान खरीद पाते हैं, फिर उसने कहा तीन तरीका और होता है, तीन तरीका बताया। पहला होलसेल स्टैंडर्ड, जिसके अंदर जब भी हम लोग होलसेल मार्केट में सामान को खरीदते हैं बेचते हैं तो वो एक तरीका हो गया मनी की वैल्यू निकालने का। दूसरा आपका रिटेल और कंजप्शन स्टैंडर्ड, जो एक नॉर्मल फैमिली खरीदती है। ठीक है, रिटेल के सामान में एक लेबर स्टैंडर्ड, लेबर को जो पैसा दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है, उससे हम मनी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक लेबर को दिया गया 100 रुपया पर डे, ये मनी की वैल्यू हो गई। वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लेबर कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेट ऑफ वेज, जो उसको वेज पे करते हैं मजदूरी पेबल टू लेबर फॉर डे वर्क, एक दिन के लिए। अब कितने फैक्टर हैं जो वैल्यू ऑफ मनी को अफेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीडिंग देख लो। पॉपुलेशन, भैया पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मनी की वैल्यू पे भी अफेक्ट पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब आप कहोगे कैसे पड़ेगा सर, तो ऐसे पड़ेगा भैया जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो मनी ज्यादा चाहिए होगी, मनी ज्यादा चाहिए होगी तो भैया सामान ज्यादा चाहिए होगा, सामान ज्यादा चाहिए होगा तो मनी की वैल्यू अफेक्ट हो ही है ना भैया, क्योंकि मनी की वैल्यू कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सामान से, परचेसिंग पावर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, उसके डेफिसिट बजट, भैया अपना बजट खराब है तो मनी की वैल्यू के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये आपको दोस्तों केवल याद नहीं करना, देखना है कि भाई सामान एक्सपोर्ट गुड्स का या अकाउंट तालाबंदी हो गया, अकाउंट फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, ज्यादा टैक्स लग गए हैं, बैंकों की क्रेडिट पॉलिसी, ज्यादा बैंक लोन बांटेंगे तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप बताइए अगर बैंक ज्यादा लोन बांटेंगे, क्रेडिट उधार देंगे, तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप लोग सोच समझ के जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि बैंक अगर ज्यादा लोन बांटेंगे, क्रेडिट बांटेंगे, तो मनी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, विथ योर एक्सप्लेनेशन। भैया अपना एक्सप्लेनेशन दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, सिलेबस में नहीं है ना, एग्जाम में पूछेगा, बट आप लोग को कमेंट करके बताना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, अब भैया आते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। भैया जितने भी बच्चे होते हैं, अगर वो बीकॉम में हैं, जो एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि जो बीकॉम में इस समय थर्ड ईयर में हैं एंड एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो सब बच्चे इससे भागते हैं कि भैया बस किसी तरह पीछा छूट जाए एंड हमको ना पढ़ना पड़े। एंड जो बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कि ये होता क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है एंड क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कहीं कहीं पे आपको QTM लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले दिस थ्योरी एम्स, ये थ्योरी एम कहती है एक्सप्लेनिंग दिस फैक्टर दैट डिटरमाइन द जनरल प्राइस एवर इन अ कंट्री। भैया कि ये वो सारे फैक्टर बताती है, मतलब ये थ्योरी वो सारे फैक्टर कारण को बताती है जिनके कारण जो डिटरमाइन करते हैं कि एक कंट्री के अंदर प्राइस लेवल, ठीक है, किसी भी मनी मनी मतलब सामान का दाम, प्राइस का लेवल घटेगा कि बढ़ेगा, ये सब चीजें क्या होंगी। तो भैया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये बताती है कि कौन कौन से फैक्टर के कारण
एक कंट्री के अंदर जेन्युइन प्राइस जो सामान का दाम होता है वो घटेगा या बढ़ेगा या फिर जो भी होगा वो ये थ्योरी बताती है। और सिंपल भाषा में जिनको नहीं समझ में आया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक ऐसी थ्योरी है जिस थ्योरी की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर प्राइस का लेवल कितना है, वहां पे महंगाई कितनी है, ठीक है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे कंट्रीज का यूज भी करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट पिन पॉइंट्स, ये उन पॉइंट्स को निकालती है, उन कॉजेस को बताती है विच ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, जिनके कारण मनी की वैल्यू में चेंज होता है। मनी की वैल्यू मतलब मनी की पावर में चेंज होता है। अब मनी की वैल्यू क्या होती है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अच्छे से। दोस्तों ये बहुत ही ओल्ड थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है। सबसे पहले भैया सबसे पहले इसको प्रपॉन्ड किया था 1588 के अंदर इटालियन इकोनॉमिस्ट डवनजेटी, इसको याद रखना, पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पीटर इविंग फिशर ने इसको पॉपुलराइज किया, मतलब इसको फेमस किसने किया, प्रपाउंड भैया डवनजेटी ने किया, फिर इविंग फिशर ने इसको पॉपुलराइज किया। क्रेडिट इनको ही जाता है, तो भैया क्रेडिट गोज टू पॉपुलराइजिंग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इविंग फिशर। पूछ देगा QTM किसने दिया, और ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इविंग फिशर टिक कर दोगे, आंख बंद कर गए एकदम। भैया उन्होंने अपनी बुक के अंदर, बुक का नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये किसने दिया, इविंग फिशर ने दिया। कब दिया, 1911 में, इसी बुक के अंदर इस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। ओके, समझ में आ गया होगा। दिस थ्योरी आल्सो नोन एज फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, इस बुक के अंदर इसको बताया गया था। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है। एंड जो बच्चे प्रीवियस से पेपर का देख रहे हैं अच्छे से, उनको ये भी समझ में आ गया होगा कि भैया इसमें से मैंने जो बताया है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भैया किसने दिया, बाद में किसने पॉपुलराइज किया, बुक का नाम, इसको और क्या कहते हैं, एंड ये ईयर, सब इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एट प्रेजेंट देयर आर टू वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मतलब QTM के दो वर्जन हैं। अब कहेंगे वर्जन क्या होते हैं, भैया R15 एक बाइक आती है, उसका एक वर्जन वन आता है, वर्जन टू आता है। वर्जन वन में सीट नीचे होती है, वर्जन टू में सीट ऊपर होती है। वैसे ही इसके दो ठो अप्रोचेस बताए गए हैं, दो तरीका बताया गया है इसके लिए, ठीक है एक ही चीज बट दो तरीके से इसको समझाने की कोशिश की गई है। पहला है द ट्रांजेक्शन अप्रोच, दूसरा है कैश बैलेंस अप्रोच। तो दोनों को समझते हैं। उसके पहले कुछ एजम्पशंस को देख रहे हैं भैया, एजम्पशन मतलब कि ये बातें आपको माननी पड़ेंगी तभी इन दोनों के बताए गए नियम काम करेंगे। देख लेते हैं, नो चेंज इन दी क्वांटिटी ट्रेड डिमांड ऑफ मनी, मतलब ट्रेड व्यापार में मनी की डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, जितना डिमांड हो जितना व्यापार होगा उतना होता रहेगा। नो चेंज इन दी क्वांटिटी एक्सचेंज ऑफ बाटर सिस्टम, भैया बाटर सिस्टम में या फिर किसी चीज में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन क्रेडिट मनी एंड ईगर मनी, अब क्रेडिट मनी और ईगर मनी में कोई चेंज नहीं होगा, ये क्या होता है आपको पता है अच्छे से, मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। नो चेंज इन दी क्वालिटी ऑफ क्रेडिट मनी, ये वही चीज यहाँ पे दो बार आ गई है। नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मनी, भैया मनी की वेलोसिटी में भी कुछ चेंज नहीं होगा। मनी का वेलोसिटी मतलब होता है कि क्वांटिटी के अंदर कितनी मनी की वेलोसिटी, कितना मनी है, ठीक है, मनी सप्लाई आप इसको कह सकते हैं। ये आपके अजम्पशंस हो गए, इसको देख लेना, ये पूछता नहीं है वैसे। अब आते हैं पहला अप्रोच जो था अपना ट्रांजेक्शन अप्रोच, भैया ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान देना। द ट्रांजेक्शन अप्रोच जिसको फिशर वर्जन भी कहा जाता है, ठीक है भैया, ट्रांजेक्शन वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वॉज प्रेजेंटेड बाई इविंग फिशर, ने दिया था इन हिज फेमस बुक परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो कि 1911 में आई थी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इक्वेशन के फॉर्म में QTM किसने दिया था, एंड ट्रांजेक्शन अप्रोच किसने दिया था, इविंग फिशर ने दिया था। इक्वेशन के फॉर्म में इसने दिया था। अब ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इविंग फिशर ने भैया ये बताया था ट्रांजेक्शन अप्रोच के अंदर, एमवी इक्वल टू पीटी, एमवी का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी और पीटी का मतलब डिमांड फॉर मनी। इसको रट्टा मार के याद कर लो, पूछा गया है, एमकॉम वालों को तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इट कैन इट कुड बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको और तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, मतलब और जैसे कि होता है ना इक्वेशन को काटते पीटते हैं, तो इक्वेशन को और काटा पीटा गया है। तो पी इक्वल टू एमवी अपॉन टी एंड पी इक्वल टू एमवी प्लस एमवी डैश डैश अपॉन टी। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है एंड ये आपके उसके बारे में बताए गए हैं, ठीक है, एक्सचेंज वेलोसिटी क्रेडिट मनी वेलोसिटी ऑफ ईयर मनी एंड जनरल प्राइस है भाई, इसको देखे ना एंड ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, मतलब कि इस वाले फॉर्मूले को इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, बस और कुछ नहीं, ये पूछा गया एग्जाम में, एमवी इक्वल टू पीटी। अब आते हैं कैश बैलेंस अप्रोच जिसको कैम्ब्रिज वर्जन भी कहते हैं, भैया बहुत लोगों ने पूछा सर कैम्ब्रिज वर्जन बताइए क्या होता है, तो आज देखते हैं कैम्ब्रिज वर्जन, ठीक है। ये भैया यूएसए में बहुत पॉपुलर हुआ था और यह
दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन दी मनी के फंक्शन पे ये बेस्ड था, मनी का जो फंक्शन होता है ना ये उसके ऊपर बेस्ड था, एंड किस फंक्शन के ऊपर बेस्ड था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये याद रखना भैया, तो आई मैंने आपको थोड़ा उल्टा बता दिया। और यह अप्रोच जो इसके पहले वाला अप्रोच था, जो इसके पहले वाला अप्रोच था वो फंक्शन ऑफ मनी पे बेस्ड था, जिसका नाम है इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब इसको किसने प्रपॉन्ड किया है, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। भैया बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, कैनन, जेएम किन्स। ठीक है, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, इसको कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं। तो ये पूछ सकता है आपका, कैम्ब्रिज वर्जन को कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दी ये मनी के किस फंक्शन पे बेस्ड है, स्टोर वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये किस पे बेस्ड है, मीडियम ऑफ वन वाला मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, इन सब के नाम याद रखना भैया, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब मार्शल ने क्या बताया था, वो था पी इक्वल टू एम अपॉन के आई। ये अपना सबने भैया अपना अपना फॉर्मूला दिया, कहा मेरे हिसाब से ये होता है मनी की वैल्यू, ये होता है मनी की वैल्यू, ये होता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सबने अपना अपना फॉर्मूला दिया, तो आपको बस सबके फॉर्मूले को देखना है एंड याद कर लेना है। वो देगा कि ये फॉर्मूला सही है, आप बता दोगे सही है कि नहीं सही है। तो भैया माइसा ने ये दिया, रॉबर्टसन ने ये दिया, अब इसको बस देख लेना, एंड पीगो ने ये दिया, इनका याद करना है। अब ये पूछ सकता है कि भैया दोनों में से कौन सा वर्जन सुपीरियर है, कौन सा अच्छा है, तो कैम्ब्रिज वर्जन ज्यादा सुपीरियर है सिसेरियन वर्जन से। आप कहेंगे, अब जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ भैया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पुराने वाले से आगे वाला, जो आगे वाला होता है वो ज्यादा सुपीरियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैम्ब्रिज वर्जन ज्यादा सुपीरियर है, ये पूछ सकता है आपसे। अब बस अपना आखिरी टॉपिक है। ठीक है भैया, मिल्टन फ्रीडमैन भी एक योग थे जिन्होंने क्यूटीएम की थ्योरी दी थी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी। तो भैया मिल्टन फ्रीडमैन ने भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी, तो पूछ देगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दिया था। ऑप्शन में अगर इरविन फिशर है तो भैया आंख बंद करके उसको मार दोगे, अगर ये नहीं है दवन जिट्टी है तो उसको मार दोगे, और ये भी नहीं है तो भैया किसको मारोगे, मिल्टन फ्रीडमैन ने भी दिया था, जिसको शिकागो वर्जन कहते हैं। भैया याद रखना, शिकागो वर्जन किसने दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन क्या थे भैया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर थे, उनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का इकोनॉमिक्स के अंदर, फॉर द ईयर 1976 के अंदर। क्यों मिला था, फॉर द अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ कंजप्शन एनालिसिस, कि लोग कैसे कंज्यूम करते हैं, याद करो कंज्यूमर बिहेवियर, याद आया कुछ। हाँ, इन्होंने भी कुछ काम किया था उसके ऊपर, मॉनेटरी हिस्ट्री थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में कुछ काम किया था, फॉर हिज डेमोन्स्ट्रेशन, उसके ऊपर बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, याद इन दी फील्ड ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स क्या होती है उन्होंने समझाया था अच्छे से। तो इतना चीज याद नहीं करना, बस ये शिकागो के थे एंड इसको शिकागो वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, एंड नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला भैया याद कर लेना, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्या है, एम इक्वल टू एफ पी वाई वन अपॉन पी डी पी टी, ये आपको याद कर लेना है केवल। ठीक है, नहीं भी याद करो, अगर कुछ इतना कठिन तो आता नहीं एग्जाम में, बस मैंने आपको बता दिया कि भैया आप लोग सेफ जोन में हो। तो भैया अपनी जितनी भी पंचायत थी कठिन कठिन वाली खत्म हो चुकी है, अब बचा क्या है, बचा है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, एंड क्रेडिट मनी क्या होती है। बस अपना पूरा मनी खत्म हो चुका है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर से बताएगा। एंड दोस्तों, मनी के जो पीछे चार वीडियोस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने चार वीडियो को देख लिया तो आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जितनी जल्दी कमेंट करेंगे, जो बचे हुए दो तीन वीडियो हैं वो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, जितना आप जल्दी कमेंट करेंगे, जितना वीडियो को लाइक करेंगे, उतनी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि बचे हुए हैं केवल दो तीन वीडियो और आपका मनी भी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो जल्दी पाने के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।